छात्र सांसद और इंदू ब्लड बैंक की ओर से आज से जन जागृति अभियान शुरू किया गया। प्लाज्मा डोनेट कोरोना के चलते एक ड्राइव शुरू की गई है, जिसमें बड़ौदा और मध्य गुजरात में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए नागरिकों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस को मात देने वाले नागरिक 28 दिनों के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस समय में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक संक्रमण से लड़ने स्वस्थ मरीजों का प्लाज्मा ही कारगर उपाय है। छात्र सांसद अने इंदू ब्लड बैंक ना सहयोग थी वडोदरा शहर अने मध्य गुजरात ना कोरोना ना दर्दियों माटे प्लाज्मा थेरापी ना ड्राइव ने आज शुरुआत करी रह्या छे। जे लोगों ने एक वक्त कोरोना थयो होय एने 28 दिवस पछी ते लोग प्लाज्मा डोनेट करी शके छे। અને એક સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે પ્લાઝ્મા ડોનેટ કરવાથી શરીરમાં અશક્તિ આવે છે, અથવા તો પ્લાઝ્મા ડોનેટ શેના માટે કરવું જોઈએ, તો આપ સૌના માધ્યમથી જે દર્દીઓ રિકવર થયા છે એમણે ભગવાને નવું જીવન આપ્યું છે, અને જે લોકો અત્યારે આ મહામારીમાં હોસ્પિટલમાં છે એવા લોકોને માટે પ્લાઝ્મા એ બહુ જ મહત્ત્વની એક સારવારની પદ્ધતિ છે। એ લોકો જો પ્લાઝ્મા ડોનેટ કરે તો આવા દર્દીઓનો જાન બચાવવામાં એ ઉપયોગી થઈ શકે। સૌ કોરોના પોઝિટિવ રિકવર્ડ વડોદરા શહેર અને મધ્ય ગુજરાતના દર્દીઓને વિનંતી છે કે છાત્ર સાંસદ અથવા તો હિન્દુ બ્લડ બેંકના માધ્યમથી એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ કરાવી, અને જો એમાં પૂરતા સંખ્યામાં એન્ટીબોડી હોય તો એમણે પ્લાઝ્મા ડોનેટ કરવું જોઈએ કે જેથી અન્ય દર્દીઓ માટે એ ઉપયોગી સાબિત થાય। तब इंदू ब्लड बैंक के जरिए प्लाज्मा डोनर अपना प्लाज्मा दे सकते हैं, जिसे कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाएगा, जिससे उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने एंटीबॉडी बनाई जा सके। आज एक पत्रकार परिषद के जरिए छात्र सांसद की ओर से समाज सेवी ड्राइव के शुरुआत की जानकारी साझा की गई थी। छात्र सांसद इंदू ब्लड बैंक और बड़ौदा की अन्य संस्थाओं ने मिलकर प्लाज्मा डोनेट कोरोना करके इस ड्राइव को आज लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा की इम्पोर्टेंस क्या है, और कहीं ना कहीं बहुत ही सारे लोगों का हमें कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि हमें प्लाज्मा कहीं से उपलब्ध करा दीजिए। हमने सोचा क्यों ना हम एक माध्यम बने लोगों के बीच में, और हम मोटिवेट करें COVID-19 के जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन्हें कि वो बाहर निकले और बाहर निकल के लोगों की जान बचाए और प्लाज्मा डोनेट करें। हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर भगवान ने हमको एक मौका दिया है किसी की जान बचाने का, तो हम उसको ले, यही असली भक्ति है, यही असली श्रद्धा है। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं, और आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि सब लोग इस मुहिम से जुड़े और अपना टाइम निकाल के लोगों की जान बचाने के लिए इस डेंजरस वक्त में हमारा साथ दे। मैं समझता हूं कि आज जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, जितने भी बड़ौदा के सिटीजन्स हैं, हम लोग गुजरात में बता सकते हैं कि बड़ौदा एक मॉडल सिटी के रूप में उभर सकती है, अगर हमने इसको साथ में इस लड़ाई को लड़ा तो। धन्यवाद।